बिगड़ सकती है सफाई व्यवस्था। राम उत्सव के बाद 23 जनवरी से हड़ताल पर जा सकते हैं सफाई कर्मी। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने इसे लेकर ऐलान किया है। सरकार से सफाई कर्मियों की भर्ती पूरी करने की मांग की गई। पिछली सरकार ने निकाली थी सफाई कर्मियों की भर्ती। 18 जनवरी को DLB पर सांकेतिक धरना दिया जाएगा। 13,184 पदों के लिए सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली गई थी। तो अब 23 जनवरी से सफाई व्यवस्था बिगड़ सकती है। रामोत्सव के बाद 23 जनवरी से हड़ताल पर जा सकते हैं सफाई कर्मी। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से संवाददाता भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। भारत, सफाई व्यवस्था बिगड़ सकती है, ऐसे संकेत मिले हैं। 23 जनवरी से हड़ताल पर सफाई कर्मी जा सकते हैं, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? लेकिन निश्चित रूप से सबसे पहले श्वेता, कि शहर के लिहाजे से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हाल में ही स्वच्छता सर्वेक्षण का परिणाम आपने भी देखा और उसमें दोनों ही निगमों की किस तरह की स्थिति रही ये सबसे वाकिफ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली सरकार ने सफाई कर्मचारियों की 13,000 करीब भर्ती निकाली थी, जो अभी तक लंबित है। लगातार सफाई कर्मचारी की ओर से ये मांग की जा रही है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और इसको लेकर ही पिछले कुछ समय से लगातार वाल्मीकि सफाई कर्मचारी संघ है वो लगातार मीटिंग कर रहा था, और आज हेरिटेज नगर निगम में एक निर्णायक मीटिंग हुई जिसमें फैसला लिया गया। क्योंकि देखिए, 22 जनवरी को पूरे देश भर में रामोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और सफाई कर्मचारियों ने इसका भी ध्यान रखा है, और उसके बाद 23 तारीख से हड़ताल पे जाने का ऐलान किया है। क्योंकि लगातार बार बार में, इससे पहले भी वो 2-3 बार DLB में ज्ञापन दे के आए कि जो पिछली सरकार में जो भर्तियां लंबित हैं उनको सरकार पूरा करे। तो कहीं ना कहीं अगर सफाई कर्मचारियों की जो डिमांड है उस पर सरकार या DLB विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो ये शहर के लिहाजे से एक बड़ी खबर होगी, क्योंकि शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। क्योंकि करीब 6,000 से ज्यादा की तादाद में सफाई कर्मचारी अगर ये हड़ताल पर जाते तो शहर की सफाई व्यवस्था है वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। जी श्वेता, लेकिन अब इसके लिए क्या सरकार के स्तर पर क्या कोई एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं भारत, क्योंकि ऐसी स्थिति ना बने? ये तो संकेत दे दिए, 18 तारीख को ये सांकेतिक धरना भी देंगे और इसके बाद 23 तारीख से हड़ताल पर जा सकते हैं, जब ये पहले से ही लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो क्या ऐसा ना हो इसके लिए कोई कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल, पहले भी सफाई कर्मचारी की ओर से DLB जो पहले निदेशक थे हृदय कुमार शर्मा, उनको भी ज्ञापन दिए गए थे, और अभी भी जो 18 तारीख को उन्होंने कहा है कि हम सांकेतिक धरना देंगे, तो निश्चित रूप से DLB की ओर से यानी कि सरकार की ओर से सफाई कर्मचारी एसोसिएशन से बात की जाएगी। और पहले भी इस तरह के धरने हैं इनकी ओर से दिए गए थे, उस वक्त भी बीच का रास्ता है वो यहाँ पर निकाला गया, आश्वासन उनको दिया गया। लेकिन अगर 23 तारीख से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं उससे पहले अगर सरकार आपसी कोई समझाइश नहीं कर पाती है तो ये दोनों निगमों के लिए एक बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि दोनों ही नगर निगमों में करीब 6,000 से अधिक सफाई कर्मचारी अगर वो हड़ताल पर जाते हैं तो शहर की सफाई व्यवस्था है वो चौपट हो जाएगी। लेकिन हम आशा करते हैं कि उससे पहले सरकार के स्तर पर कोई वार्ता यहाँ पर होती है और उसमें कोई ना कोई अच्छा संदेश है वो निकलकर सामने आएगा। जी श्वेता, चलिए बहुत शुक्रिया भारत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने इसे लेकर ऐलान किया है, जहाँ सफाई कर्मी की भर्ती पूरी करने की मांग सरकार से ये लोग कर रहे हैं, और इसीलिए 18 जनवरी को DLB पर ये सांकेतिक धरना देंगे। 13,184 पदों के लिए सफाई कर्मी की भर्ती निकाली गई थी, लेकिन कहा यही जा रहा है कि रामोत्सव के बाद यानी 22 जनवरी के बाद 23 जनवरी से हड़ताल पर सफाई कर्मी जा सकते हैं।